हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कहने पर हमारा पूरा देश पूरे लॉकडाउन सिचुएशन में है और आज दूसरा दिन चल रहा है। सबको कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग किया जाए, लोगों के बीच में 6 फीट से ज़्यादा दूरी, 1.5 मीटर समझ लीजिए, 1 मीटर समझ लीजिए होनी चाहिए ताकि कोरोना आप पर अटैक नहीं कर सके। लोगों ने 90% से भी ज़्यादा, शायद 95% से भी ज़्यादा मान लिया है मोदी जी की सलाह को और अपने अपने घरों पर 21 दिन के लिए बैठ गए। लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो, जिन्हें मैं कहूँगा कि या तो वो अशिक्षित हैं या उन्होंने मोदी जी की स्पीच ध्यान से नहीं सुनी है या वो मौके की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। वो सिर्फ बाहर निकल पड़ते हैं दोस्तों को लेकर स्कूटर के ऊपर, हमें ये करना है, और फिर मार खाते हैं, उनको उठक बैठक कराई जा रही है, कहीं तो मुर्गा बना दिया गया है, कहीं पर दंड बैठक कराई जा रही है। धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे। पर जो सबसे बड़ी बात जो अभी तक लोगों के दिमाग में नहीं गई है, लोगों को सिर्फ ये पता है कि हमें ये करना है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि ये कोरोना है क्या। ये कोरोना 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 इतना सुन चुके हैं, कोरोना से डर भी गए हैं लोग, उनको लगता है कि कोई राक्षस है। कई शक्तिमान के दोस्तों ने मुझे लिखा है कि आपने कीटाणु मैन बनाया था शक्तिमान में, ये कीटाणु मैन आया है, आप इसको ख़त्म कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि ये वक्त है जहाँ पर लोगों को बताया जाए, और बताया जा रहा है। टीवी में कई डॉक्टरों ने आकर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं अपनी तरफ से भी एक छोटी सी कोशिश करूँगा और एक कॉमन मैन को, एक जनता को, अपने शक्तिमान के दोस्तों को, फैन को ये बताने की कोशिश करूँगा कि कोरोना दरअसल है क्या। मैं आपको बता दूं, ये कोई राक्षस नहीं है। ये मैं जितना, मेरी जितनी जानकारी है उस जानकारी से मैं आपको जानकारी बांट रहा हूं कि ये कोरोना जीवित जंतु नहीं है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। इसीलिए इसको एंटीबायोटिक, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, वो जीवित कीटाणु होते हैं जिनको हम एंटीबायोटिक से मार सकते हैं, इसीलिए इनको मारा नहीं जा सकता। ये दरअसल में है क्या, ये बहुत छोटे हैं, बहुत इतने छोटे हैं कि हमारे बालों से भी हजारों गुने छोटे से छोटे हैं। और ये है क्या दरअसल, ये सिर्फ एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ये छोटे से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है अपने आप में, और उसके ऊपर एक लेयर बनी हुई है फैट की, उनकी एक प्रोटेक्शन लेयर है जिसे हम कहते हैं कि दीवार है। वो एक फैट की बनी हुई, लिपिड की बनी हुई एक, उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर रहता है, अंदर जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल रहता है। ये अपने आप में जीवित नहीं है, लेकिन ये जब किसी मानव के शरीर में प्रवेश कर जाता है तब ये उनके जो हम नेजल जिसको कहते हैं, हमारे मुंह से अंदर सांस नली जाती है, नाक से भी सांस नली जाती है, उसके अंदर जो म्यूकस रहता है उससे ये मिलकर उसकी कॉम्पोजिशन को बिगाड़ देता है। उसको हम लोग जिसको म्यूटिलेशन कहते हैं, और उसको बिगाड़ कर वो म्यूकस जो है वो गाढ़ा हो जाता है, ठीक हो जाता है, और हमारी नाक की जो नली है उसके अंदर सांस की आवाजाही रुक जाती है, जिसे हम कहते हैं कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये इसको खत्म करने का तरीका क्या है, जो आप लोगों को बताया जा रहा है कि इसको आप डिस्टेंसिंग रखिए। नो, डिस्टेंसिंग से क्या होता है, इसको हम मार नहीं सकते, लेकिन इसके ऊपर का जो ये प्रोटेक्शन की जो लेयर है जिसको हम कहते हैं लिपिड या फैट, उसको अगर हम जब बार बार किसी चीज़ को हटाते हैं, सपोज हमारे यहाँ आ गया तो उसको हमको कहा गया कि धोइए उसको। धोने से क्या होता है, धोने से आप उसको साबुन से धोते हैं, आप उसको अपने हिसाब से सैनिटाइजर से धोते हैं, तो साबुन से धोने पर जो उसकी जो झाग बनती है, वो झाग जो है इसके ऊपर की प्रोटेक्टिव दीवार जो होती है, उसका जो आवरण होता है, उसको ये तोड़ देती है। जैसे ही वो टूटता है, अंदर का प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो अपने आप डीके होने लगता है। उसको मार नहीं सकते, लेकिन वो पड़ा रहेगा तो वो धीरे धीरे खुद ब खुद डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। यही आपको मोदी जी ने भी कहा, यही डॉक्टर भी कह रहे हैं कि आप उसको धीरे धीरे, कोई विक्टिम नहीं मिलेगा तो अपने आप वो ख़त्म हो जाता है। साबुन से हाथ धोने से हम उसको और जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, इसलिए आपको बार बार सलाह दी जा रही है कि आप साबुन से हाथ धोइए। कोई भी चीज़ बाहर से आए तो उसको आप थैली भी हो जो भी हो उसको डिटर्जेंट से उसको धोइए, ताकि अगर उसके ऊपर गलती से कोई कीटाणु आ गए हैं, ये वायरस जिसको हम कहते हैं कोरोना, वो साबुन की वजह से उसकी वॉल टूट जाएगी और वो खुद ब खुद डीके हो जाएगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि क्यों हम पूरे देश भर में इतनी बड़ी कवायद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि 135 करोड़
घर में बैठ जाएं। अगर वो घर में बैठेंगे तो सड़कों पर जो अगर वायरस है, ये बता दूं आपको एक और छोटी सी बात जो आपने सुनी भी होगी कि ये वायरस कोरोना हवा से उड़कर आप पर नहीं आ सकता, ये हवा में नहीं तैरता, ये सिर्फ आप उसके करीब जा सकते हो। जब आप उसके करीब जाते हो या किसी के शरीर में वो ऑलरेडी प्रवेश कर चुका है, उसके करीब जाते हो 1.5 फीट या 1 फीट के डिस्टेंस में या उसके, तो वो अगर छींकता है तो उसके द्वारा आपके अगर शरीर पर उसका थोड़ा सा भी कीटाणु आ गया तो वो आपके शरीर में घुस जाता है, और जैसे कि मैंने कहा कि वो आपके आपके जो श्वास नली को एकदम उसके अंदर को जो म्यूकस को एकदम गाढ़ा कर देता है। और अगर आपके लंग्स में घुस गया, हमारे लंग्स हमारे फेफड़े में, आपको बता दूं 25 करोड़ थैलियां हैं जिसको एल्वियोलाइज कहते हैं, जिसके थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हर पल जन्म से लेकर मृत्यु तक खुद ब खुद होता रहता है। हम ऑक्सीजन अंदर देते हैं, ऑक्सीजन जो है वो हमारी सांस नली से फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से वो जिसके ऊपर रक्त की नलियां रहती है 25 करोड़ थैलियों के पीछे अंगूर की तरह छोटी छोटी थैलियां होती है, उस पर हमारे हार्ट जो है वो रक्त नलियां भेजता है और उसको वो कवर करके रहती है, और वो ऑक्सीजन रक्त को दे देता है, रक्त अपनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा को दे देता है, फेफड़ा फिर उसको बाहर लाकर जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल। लेकिन ये कोरोना अगर आपके लंग्स में घुस गया तो आपके अंदर वो धीरे धीरे इतना गाढ़ी म्यूकस बना देता है कि आपके अंदर उस नलियों में हवा का आना जाना रुक जाता है, जिसे हम कहते हैं कि सांस नहीं चल पा रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जिस तरह से आप लोगों को बताया गया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। ये कोरोना वायरस सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंसिंग से इसको डीके किया जा सकता है, इसको ख़त्म किया जा सकता है। अभी तक इसका कोई इलाज नहीं निकला, जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई जीवित ऑर्गेनिज्म नहीं है जैसे बैक्टीरिया होते हैं, इसीलिए एंटीबायोटिक्स इस पर असर नहीं करते। इसके एंटीडोट्स बनाए जा रहे हैं, बनने में शायद 6 महीने भी लग सकते हैं, शायद जल्दी भी आ जाए, कोई दिमाग लगाने वाला साइंटिस्ट इसकी तोड़ लेकर आए तो उसको मारा भी जा सकेगा या उसको डीके किया जा सकेगा। उसको मारना जरूरी, बिकॉज ये जिंदा कीटाणु नहीं है, ये सिर्फ अंदर घुसकर हमारे अंदर जो है वो तहलका मचा देता है, हमारे पूरे लंग्स के सिस्टम को, हमारे जो नाक और हमारी जो नली जाती है, ट्रैकिया जाती है, हमारे इलाके लंग्स में जो हमारे सांस की नलियां हैं, ब्रोंकाइटिस जिसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं हम, उसको वो धीरे धीरे रोक देता है। तो मैं आपको यही आप जान लीजिए कि इसको ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, घरों पर बैठे, घर में बैठ कर काम करें, कोरोना कर अपने पर अटैक करने की आप कोई चांस न देवें, बाहर निकलकर अपने आप को सिकंदर बनाने की कोशिश ना करें, और वो अगर उसको अगर 14 दिन तक 21 दिन तक अगर कोई भी उसको शिकार नहीं मिला तो वो धीरे धीरे खुद ब खुद उसकी लाइफ ही इतनी उसकी जो उसके अंदर जो डीके है वो खुद ब खुद 21 दिन के अंदर 14 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को कहा गया है कि आप लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। अगर आप बाजार में भी जाते हैं कोई चीज़ को खरीदने पे, मैंने कल टीवी पे देखा बहुत अच्छी तरह से पूरे देश में 1-1 मीटर पर ऐसे गोले बनाए गए थे 1.5 मीटर पर, और हर आदमी 1.5 मीटर दूर खड़ा रहता है और वो खड़ा रहकर अपनी लाइन में जाता है और सामान खरीदता है, वेरी गुड। इवन आपने मोदी जी को भी देखा होगा कैबिनेट मीटिंग में, पहली बार मैंने ये नज़ारा देखा, अदरवाइज राउंड टेबल के सामने बैठते हैं वो लोग कुर्सी लगाकर, इस बार आपने देखा होगा कि एक एक मंत्री एक एक लोगों के बीच में 1.5-1.5 मीटर का डिस्टेंस था और कुर्सियां थी। ये संदेश मोदी जी आपको देना चाहते हैं, ये संदेश हर डॉक्टर आपको देना चाहता है, थोड़ा सा सीरियस होइए, ये आपकी भी लाइफ का सवाल है, आपके परिवारजनों की भी लाइफ का सवाल है, आपके समाज का भी सवाल है, आपके देश का भी सवाल है। इसलिए 21 दिन आप पूरे इरादे से अपने आप को घर में कैद कर लीजिए, और जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिया गया है, सफाई रखिए अपने आप को, और किसी को अपने घर में आने मत दीजिए, अगर कोई आता भी है तो उसके हाथ धुलवाइए, अपने हाथ भी किसी चीज़ को लगाने के बाद अच्छी तरह से धोइए। यही मैं अपनी तरफ से सलाह देना चाहता हूँ, यही मैं शक्तिमान की तरफ से सलाह देना चाहता हूँ। बी प्रोटेक्टिव, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।